जनाब हम तुम्हारे पाँव पकड़ा जनाब, हमारी है बेगा में जाना जनाब, इसके 3 दिन से दस्त है जनाब जनाब, बड़े ही बड़े दिक्कत चल रही है जनाब। ये हमारी फुप्पो जो इसको पकड़ के बैठी है जनाब, जैसे तैसे फुप्पा ने भेजी फुप्पो को, तो पकड़ने के लिए बहुत गुहार लगाई जनाब फुप्पा से। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। नहीं भाई ये नहीं, ये हाथ पीछे कर लेता हूँ, किसी की पर्सनल कमेंट आई है भाई कि जो बॉडी दिखाते हैं ना मत दिखाई करो, इतनी बॉडी ना बनी अभी तो भाई अब से हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, ठीक है। और ये देखो बाटी हेलमेट पहन के बैठा भाई, हेलमेट से समझ जाओ कहीं जा रहे हैं। आज हम जा खा रहे हैं भाई, एक दोस्त है हमारे भाई जिनकी तबीयत खराब है और हॉस्पिटल में एडमिट है, ग्रेटर नोएडा, तो उन्हें देखने जा रहे हैं। ये हैं क्या भाई, हेलमेट को तो उतार दे भैया। तो भाई आज का व्लॉग में बने रहो, आज बहुत कुछ होने वाला, बहुत कुछ फन करने वाले हैं। बता दूं शाम का प्लान या बताओ या बता दूं भाई, इतनी बता देते हैं चलो कि कोई आ रहा है आज, कोई आ रहा है शाम को, और पूरा भाई पूरा प्लान कर लिया हमने फन करने का। तो व्लॉग में बने रहना, पहले देखे आते हैं भाई को जाके क्या तबीयत है, कैसी कंडीशन है, उसके बाद भाई से मिलवाएंगे। शायद हम जब तक आए भाई आ जाए या थोड़ी लेट हो जाए तो भाई से मिलवाएंगे, और बाकी भाई पूरा प्लान सेट है आज का। तो व्लॉग में बने रहो। क्या बज रहे हैं भाई, और धूप देखो भाई, ड्राइवर तैयार है हमारा। तो भाई स्कूटी में हो रही है एक दिक्कत, 1 मिनट पकड़िए, आवाज़ चेक करिए आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब आवाज़ आ रही है आगे से बहुत, या तो मुझे लग रहा है ये ढीला भाई, या फिर 100 करोड़ में दिक्कत है। चला के ला बस, थोड़ी सी चला के ला, यहाँ से ला, यहाँ से बस, और तेज ले तेज, ये आवाज़ के। रुक जा भाई, ये ढीला ये वाला, 100 करोड़ सही है अपने। चलो फटाफट पहुँचा भाई, धूप होगी बहुत, इसलिए हम लाए ये गमछा। आजा गाइस, ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में है भाई, ग्रेटर नोएडा के। तो भाई अंदर ग्राउंड बनाना कंफर्म नहीं है, बन पाएगा नहीं, क्योंकि भाई को थोड़ा कैमरे से परहेज है, बाकी ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करेंगे, वैसे तबीयत खराब है भाई। 104 इधर है भाई, इधर अंदर बाद में आ जाएंगे ना भाई। तुषार भाई को देख रहे हैं, तुषार डे, तुषार भाई को देख के आए साहब को बता रहा कैसे बताइए दोबारा। अरे भैया इतनी कैडी लू चल रही है भाई। और भाई जैसे आज टाइम मिला, थोड़ी सा आज कॉलेज से ऑफ मिल गया एक दिन का, बाकी कल फिर प्रैक्टिकल है। इस ऑफ में हमने तुरंत व्लॉग शुरू कर दिया भाई सुबह उठ के, क्योंकि जब भी टाइम मिलेगा व्लॉग आएगा भाई आपके लिए, बाकी फिर रेगुलर आएगी। तो भाई आप ऐसे सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़वाओ और वीडियो को शेयर करें। तो भाई चलो पार्सल और भैया आप किसानों का भाई धरना चल रहा अथॉरिटी के बाहर, ये हमारे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, बड़ा प्यारा शहर है भाई हमारे ग्रेटर नोएडा। क्यों बाटे देखना भाई, ग्रीनरी रोड है, कोई टक्कर पे है कैसा तो नहीं बोलेगा चलो ठीक है, फोन करूंगा मैं जैसे वो भाई आ जाएंगे, तुरंत निकलते हैं। 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद, हाँ ठीक है। तो अंजी गाइस भाई फिलहाल आ गए हैं घर, और भाई को देखा है भाई, भाई के साथ या भाई को आपसे इसलिए नहीं मिलवा पाए भाई, और भाई के साथ इसलिए भी लोग शूट नहीं कर पाए, बिकॉज भाई इतने कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं होते, तो इसलिए फिर हमने भी ज़्यादा वो नहीं किया। बाकी भाई इतनी गर्मी है बाहर, आती टी शर्ट उतार दी मैंने तो भाई, इतनी गर्मी लग रही है। तो भाई अभी भाई से बात हुई है, भाई को आने में लगेगा 1 से 1.5 घंटा, तो इतने हम कर लेते हैं थोड़ा रेस्ट, फिर भाई आते हैं, भाई से मिलवाते हैं और शाम का पूरा शेड्यूल बताते हैं आपको। तो व्लॉग में बने रहो, भाई आते हैं जैसे मिलवाता हूँ भाई आपको। तो गाइज फाइनली भाई आ गए हैं, और हमारा रेस्ट भी हो गया, बट टाइम लगा ले भाई ने थोड़ा सा भाई तो भाई जानते हो गया आप भाई को है? आप सोच रहे हो कि सुबह से कह रहा कोई आ रहा ये तो वही निकले हमारे यूट्यूब मास्टर भाई भाई एक व्लॉग में जब भाई से यूट्यूब टिप्स लेने गए थे भाई, क्या रिश्ता बता दूं ना हमारा बताओगे भाई, कजन ब्रदर्स और मामा भांजे भाई भाई हम मामा भांजे भी हैं, पता आपको। जो हमारी मौसी जी हैं सबसे बड़ी वाली, उनकी बेटी का बेटा है भाई, ये मेरा भांजा और मैं मामा और मैं छोटा ही बड़ा भाई। बहुत लंबा रिश्ता है हमारा बहुत सारे रिलेशन है भाई, भाई का, दोस्त का, सब। प्लान ये है भाटी जो कराना भाई से थोड़ा सा फोटोशूट कराना। हाँ। भाई कैमरा लाया कोई ना, तुम तो आईफोन से ही ऐसा आउटपुट निकाल दोगे दो तीन लोकेशन देख रखी है हमने, उसमें देखते हैं कोई दो तो पास है, एक दूर है, तो कोशिश करेंगे तो दो जो है उनमें से कोई आ जाए, क्योंकि भाई एडवेंट वाली तो बहुत दूर है तो। बाकी भाई आज स्टारबक्स की कॉफी का भी सोच रहे हैं, बहुत दिन हो गए। बाहर जी बुलाएंगे हमारे, क्योंकि भाई आए हैं तो भाई मेरे तो फोटोशूट का बस यही हो गया, मेरे को तो भाई स्टारबक्स की कॉफी मिल जाएगी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बस मतलब आज शाम पूरी बाहर रहेगी, इसलिए हमने आज जिम का भी ऑफ कर दिया भाई। बट ये है भाई अपना ना अंधेरा मत करना और धूप में भी मत चलना। बजे तक 5 तो बज गए लगभग, 7 बजे 6-7 बजे बस। तो भाई अब भाटी जी से बात कर लें और बता दें कि भाई हमारे भाई आ गए हैं, क्या क्या प्लान है बताओ भाटी जी, और आ जाओ फटाफट। फोन कर लो भाई भाटी जी का प्लान कभी। तो गाइस भाई कपड़े वपड़े पहन के एकदम हो गए सेट, भाटी जी भाई आ गए हैं, भाटी जी गुस्सा हो रहे हैं, बहुत देर से बाहर खड़े हैं भाई, कोई लिमिट है भाई भाटी जी हो गए गुस्सा बहुत ज्यादा। तो भाई फटाफट चलते हैं, जल्दी चलो अब भाटी से मिलवाते हैं और फिर निकलते हैं भाई अपनी लोकेशन पे। चलो तो गाइस भाई घर से निकल चुके हैं और यार भाई की फोटोशूट यहीं से शुरू हो गया भाई, सनसेट का। कैसा आया भाई? ओहो भाई बहुत प्यारा ये। अबे यहीं खिंचवान लगा यार, अभी तो घर से ही निकले हैं। तो भाई अभी हम घर से निकले हैं और रास्ते में भाटी जी का फोटोशूट हो गया शुरू, देखो देख लो अभी तो भाई लोकेशन पे नहीं पहुंचे, वो देख लो भाई वीडियो बहुत तगड़ी आई। चलो तुमको काम, चलो भाई थोड़ी बहुत यहीं कर लें फिर लोकेशन पहुंचेंगे। गाइस पहुंच गए भाई, भाई हम लोग पहुंच गए हैं डेल्टा 1 के पास। यहाँ पे हमें थोड़ी सी अच्छी लोकेशन मिली थी, मतलब एक मॉल के आउटडोर का ही शूट है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत शॉट्स लेते हैं और आपको बताते हैं कैसा लगता है। बीटीएस देख लेना है, बाकी बीटीएस तो आप देख ही लेना और आउटपुट भी हम डालेंगे वो भी देख लेना। तो भाई ऐसा है ना, थोड़ी टाइम ज़्यादा हो गया, वरना लोकेशन थी यार 1-2 बहुत ज़्यादा हो गया यार, तो इसलिए भाई अच्छी लोकेशन थी, पता फालतू में हम लोगों ने वो करा बैक बहुत बढ़िया तो भाई लेट हो गए बस तो भाई ऐसा टाइम हो गया यार बहुत ज्यादा, सारी लोकेशन की ऐसी तैसी हो गई। फिलहाल अभी भाई यहीं देखते हैं, बाकी हमारे साथ जो है ना वो यहाँ भी अच्छे निकाल देगा आउटपुट तो भाई ये है ओमैक्स कैनॉट पैलेस, जो भाई ग्रेटर नोएडा से है वो जानते होंगे इस मॉल को, काफ़ी पॉपुलर है भाई और ये फोटोशूट चल रहा है। तो भाई जो समस्या थी भाई वही निकली, लाइट का बहुत बड़ा इशू हो गया, हमने टाइम वेस्ट कर दिया जाते बहुत ज़्यादा। तुम लोगों से मैं कह रहा हूँ भाई थोड़ा सा तुम जल्दी कर लो, क्योंकि भाई अगर लाइट चली गई तो नहीं। तो भाई अब कुछ और देखते हैं, मॉल के अंदर देखते हैं, मॉल के अंदर ही शूट हो सकते हैं, इंडोर शूट करा लेना बैठ के अपना। लेट हो गए तो टाइम से अच्छी फोटोज आ जाएंगी। गोल्डन आवर में भाई फोटो कंचा रिजल्ट देती है, चाहे तुम आईफोन ले लो चाहे ओप्पो ले लो, भाई फोन अच्छा है, फोटोज तो अच्छी निकाल लेते हैं। चलो भाई पर अब क्या करें, तो भाई आप जा रहे हैं बर्गर किंग, फोटो शूट देखेंगे बाद में, यहाँ आए और बर्गर किंग नहीं आए भाई फिर तो बेकार है। तो भाई सीन ये है, फोटो शूट तो हमने छोड़ दी, उम्मीद गलती हुई हमारी, बट बर्गर किंग में कुछ खास नहीं है। अच्छा यहाँ से यार है तो भाई मॉल के अंदर से यार है, मैं भी ट्राई कर लूँ, एडिट करके देखिए एक बार। पार्टी जी दे रहे हैं ऑर्डर। ये तुषार भाई, इतनी भीड़ है आज बर्गर किंग में, वीकेंड है ना। देखो फुल हाउसफुल, क्या करा जा रहा है। भाटी जी हम लोगों को ट्रीट दे रहे हैं। भाटी जी की दे रहा भाई, ये दोनों मिलकर भाई। भाटी जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है भाई, भाई ट्रीट है मेरे फोटो खींचने की। तो बहुत बहुत कम है भाई फोटो। अरे भाई इतनी दूर से लाइटिंग में नहीं आए, तुम्हारी बहुत अच्छी ले लेता पता फोटोज। लाइट भाई आते ना आज भाई, रात का हमारे ही देंगे भाई। देख रहे हो तुम फोटोज, देख रहे हो। भर गया भाई फोन। इतनी फोटो ली है। फटाफट से आ जाओ बस, ऑर्डर लेट हो रहे हैं क्योंकि 8 बज गए हैं और घर की नज़र में बज गए हैं 10। पता 8 बजे से यार इतने फ़ोन। तो भाई आ गई अपनी मील, और भाई सबसे बजट में है ये मील। बर्गर किंग आओ ना भाई तो इस मील को ट्राई करना, पेट भर जाएगा। 99 में बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और चलो भाई खा ले भाई फटाफट। क्योंकि भाई जल्दी आने के चक्कर में आज कुछ खा भी नहीं पाए, डाइट वाइट नहीं। तो भाई हम जा रहे थे घर और ये रास्ते में मिल गई पोर्च। आ गया भाई इस कार पे। एक तो भाई इसका कलर देखो, दिल आ गया भाई। कैसी लगी भाटी जी? सही है कह रहे हैं। कहा भी अपनी डिफेंडर भाई, बाहर निकलो। आओ कौन सी लाइट है भाई? डिस्को लाइट। लो भाई लो पर भाई अपनी डिफेंडर के सामने सारी फेल है। पोर्स है भाई, सही बात है भाई। नंबर प्लेट भी ना है, वो तो दिखा दो भाई। डिग्गी खोल दी, हेलमेट जब भी नहीं लटक रहा भाई। ये सुविधा है, यही था भाई, इसीलिए तो इसे बेचने का मन नहीं करता। पोर्स भी फेल है इसके सामने। चलो भाई ओ भाई। सो गाइस हम लोगों ने साफियाँ उड़ रखी हैं, धूल बहुत उड़ रही है और भाई चला रहे हेलमेट पहन के। भाई ग्रेटर नोएडा हो ना तो भाई ये गमछा जरूर लाओ। तो जानती होगा भाई, जो ग्रेटर नोएडा के काम चल रहा है मेट्रो का, और इतनी धूल है भाई। तो भैया पैक होकर जा रहे हैं। और सुनो रास्ते में कोई पुलिस वाला मिल गया ना, वाली धूप है भाई, ओम्फो वाली धूप भाई। कोई रास्ते में पुलिस वाला मिल गया ना, पार्टी जी से कहेगा दो बेगमों को बिठा के कहाँ ले जा रहा है। जनाब हम तुम्हारे पाँव पकड़ा, जनाब हमारी है बेगम है जनाब। जनाब इसके 3 दिन से दस्त है जनाब। जनाब बड़े दिक्कत चल रही है जनाब, ये हमारी फुप्पो जो इसको पकड़ के रखती है जनाब। जैसे तैसे फुप्पा ने भेजी फुप्पो को, तो पकड़ने के लिए बहुत गुहार लगाई जनाब फुप्पा से। तो जनाब खुप्पा है तो आराम पर मानेगा जनाब। बस जनाब जाने दो जनाब। रैपिड चला लीजिए, पीछे हो जाए जनाब, पीछे जनाब। फिर मेरे से मत कहना, बहुत मारा जनाब इसने आज मेरे को, पेड़ में दे देगा मारा जनाब। तो जनाब रास्ता भूल गया जनाब, देरा हो रहा पीछे हट जाओ। ठीक है भैया, कैसे व्लॉग कर लिया आएगा। ठीक है ओके बाय। हाँ जी गाइस, तो भाई फिलहाल आ गए हैं अपने घर और भाई नितिन को छोड़ आए हैं। बाकी भाई तुषार अब मेरे रूम में फोटो वोटो एडिट कर रहा है, और भाई अब मैं भी खाना वाना खा के, तुषार भी खाना वाना खा के रेस्ट करते हैं भाई, और थोड़ा बात करते हैं क्योंकि बहुत टाइम बाद आया भाई वो, तो थोड़ी पर्सनल लाइफ भी है। और बाकी भाई आज यही था, जैसे ही मुझे टाइम मिला कॉलेज से भाई मैंने सबसे पहले व्लॉग बनाया, तो भाई आप भी थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। बाकी कंटिन्यूसली व्लॉग आएंगे थोड़े एग्ज़ाम के बाद, बट अभी थोड़ा 1-2 दिन का गैप हो सकता है, तो उसे एडजस्ट कर लेना भाई। बाकी कंटिन्यूसली आएंगे। तो भाई आज यही था जो आपको दिखाना था। तो अभी फ़िलहाल करते हैं रेस्ट, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ओके बाय, थैंक यू, टाटा।